नमस्कार दोस्तों। तो शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन क्यों मौन है और क्यों आंदोलन नहीं हो पा रहा है, क्यों शिक्षक आंदोलन शांत लग रहा है, जबकि लगातार सरकार के द्वारा जो कहा गया था राजकर्मी का दर्जा, उसके बाद से कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं की जा रही है। इस पर आज हम संजीव समीर जी से जानेंगे कि आखिर शिक्षक क्यों मौन है, शिक्षक संगठन क्यों मौन है और क्यों आंदोलन का बीज नहीं फूट रहा है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे। तो संजीव समीर जी से हम आग्रह करेंगे कि आप इस संदर्भ में हमें बताएं कि शिक्षक संगठन, शिक्षक और शिक्षक के जो संगठन के अध्यक्ष है वो आज मौन क्यों है, इस पर आप अपनी बातों को रखें। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप तमाम शिक्षक साथी भली भांति अवगत हैं कि राज्य में फिलहाल लगभग 30 निबंधित शिक्षक संगठन हैं जो कि काज रूप में हैं। वही बात करते हैं कि 2005 की, तो उस समय सभी लोग एक साथ हुआ करते थे और जो लड़ाई संयुक्त रूप से उन लोगों ने लड़ी, वहीं से हमने शिक्षकों का नींव खड़ा हुआ और 2005 के आंदोलन के सफलता के पश्चात हम शिक्षा मित्र से पंचायती राज शिक्षक बने एवं 60 वर्ष तक नौकरी पक्की हुई। उस सफलता के बाद धीरे धीरे कुछ लोग अलग संगठन बनाए, फिर यह सिलसिला चलता रहा और आज देखिए हम कहां खड़े हैं। ये आपको बता देते हैं कि अलग अलग डफली बजाने का ही नतीजा है कि हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। 2015 में कुछ हद तक सफलता मिली चूंकि सभी लोग एक होने का प्रयास किए, इस वजह से 11 जुलाई 2023 के आंदोलन के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ऐसा डंडा चलाया कि तब से अभी तक सभी प्रदेश अध्यक्ष कहां छुप गए हैं कोई अता पता नहीं है। सभी लोग अपने अपने बिल में छुपे हुए हैं, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पोस्ट बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब उम्मीद यही किया जा रहा है कि सरकार जो चाहेगी वही होगा, संगठन की बस की बात अब समाप्त हो गई है। समझिए कि अब संगठन के वजह से कुछ मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि इसमें गलती सिर्फ हम संगठन की भी नहीं कहेंगे, क्योंकि संगठन अगर कोई आंदोलन के लिए कहता भी है, एक होकर के आंदोलन करने की जो बात करता है, तो बिहार के तमाम शिक्षक भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते हैं। और इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे कारण है, जैसे आपको याद होगा 2019 में एक मामूली हम बात बता रहे हैं कि 5 सितंबर का जो हड़ताल हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, उस दिन सीएल को अमान कर दिया गया था और उस दिन जो लोग भी गए थे वहाँ पटना धरना प्रदर्शन में, उन लोगों की हाजिरी कट गई थी और आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे परिस्थिति में अब लोग जल्दी धरना प्रदर्शन में जाना नहीं चाहते हैं, बच बचा कर काम करना चाहते हैं। धरना होता है, प्रदर्शन होता है, उसमें लोग जाना नहीं चाहते हैं। लोग समझते हैं कि शिक्षक संगठन एक है ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई संगठन आवाज उठाता है कि हम एक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ संगठन तो एक हो जाते हैं, फिर उसमें से और मोर्चा निकल जाता है, कुछ अलग डफली अलग राग अपना अलपने लगते हैं। ऐसे परिस्थिति में यह जो स्थिति बनी है, आज सभी संगठन कहीं ना कहीं अंतर्ध्यान हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि शिक्षक भी अब खुद पर उनको विश्वास नहीं है और वे आंदोलन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आंदोलन अभाव में होता है। और मेरे समझ से लगता है कि इन लोगों को अब अभाव नहीं है। एक बच्चा है, आपको याद होगा कि नवीन कुमार सिंह, वो बार बार बोलता है 1500 वाला टीचर, तो ठीक ही बोलता है, 1500 लाइक ही टीचर है बहुत लोग, तो वो क्यों आंदोलन करेंगे। आज बात सही है कि जिसको जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता हो, जिसको संडे मंडे लिखने नहीं आता हो, जिसको राष्ट्रपति का नाम पता नहीं हो, जिसको प्रधानमंत्री का नाम पता नहीं हो, वैसे लोग भी शिक्षक बने हुए हैं। आज ये कहते हुए मुझे कोई दोष नहीं लग रहा है, वैसे लोगों को तो सही मायने में इस्तीफा दे देना चाहिए। वो क्यों है शिक्षक आज के डेट में, अगर हैं तो उनके वजह से ही सारे शिक्षकों की बदनामी होती है। तो वैसे शिक्षकों को बिल्कुल ही, हम तो कहेंगे कि सरकार को बिल्कुल वैसे शिक्षकों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से ही ना आंदोलन अच्छा हो पाता है, वो आंदोलन में आते नहीं है डर के मारे, जो आंदोलन करना चाहते हैं उनका पैर खींचते हैं लोग। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं लड़ेंगे तो कोई नेतृत्व आपका क्यों करेगा। सिर्फ नेता आगे बढ़ चढ़ के निकल जाए लेकिन पीछे जब देखें तो भीड़ नहीं हो, तो फिर नेतृत्वकर्ता का जो मनोबल होता है वो टूटता है। वैसे परिस्थिति में कोई भी नेतृत्वकर्ता आगे बढ़ के अब कुछ करना नहीं चाह रहा है।
क्योंकि शिक्षक अपना बहाना ढूंढ लिए हैं कि हम इस संगठन में हैं तो हम उस संगठन में हैं, और बार बार यही बात कह करके अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये दुर्दशा शिक्षकों की होनी तय है। हम आप सभी लोग जो विकास मित्र हैं और टोला सेवक हैं, उनको पैसा जब दुगुना किया गया है तो जलन की भावना से उन लोगों पर कटाक्ष भी किए हैं, मैंने भी किया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसमें 72 संगठन नहीं है, केवल एक संगठन है और बिना मांगे ही लोगों को मिल गया। अभी कोई आंदोलन नहीं था, कुछ दिन पहले आंदोलन किया गया था, तो बिना मांगे ही उन लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं इतना जल्द। हम लोगों को लोग कहता है कि 2005 में 1500 था, 3 में 1500 था और आज, लेकिन शिक्षा में कर टोला सेवक की बहाली कब हुई है आप सोच सकते हैं, और इसका वेतन सीधे दुगुना कर दिया गया है। तो ये लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, ये बातें लोगों को समझ नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों का वेतन समझ में आता है, शिक्षकों का पैसा समझ में आता है, शिक्षक काम नहीं करते हैं। तो भाई काम नहीं कैसे करते हैं, शिक्षक काम करते हैं, बार बार कह रहे हैं कि शिक्षक काम करना भी चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन उन्हें आपने अब तक गैर सरकारी कार्यों में उलझा कर रखा हुआ था। वो तो के पाठक जी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गैर सरकारी कार्यों से मुक्त करने का जो पत्र निर्गत किया उसके आधार पर आज जो बीएलओ लोग हैं वो लोग अपना इस्तीफा भी सौंप रहे हैं। कई जगह कई ब्लॉकों से यह खबर निकल के आई, और उसी में डरपोक शिक्षक लोग हैं जो बीएलओ का काज भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, या कुछ लालच भी है उसके पीछे। अब लालच क्या है बीएलओ लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि इसके पीछे उन लोगों का उगाही का काज भी होता है, ये हम जानते हैं। मेरी बात जरूर बुरी लगेगी लेकिन ये बात सही है कि कुछ बीएलओ लोग इस बीएलओ के आड़ में कुछ कमाई भी करते हैं। स्कूलों से भागने में उनको मौका मिलता था, लेकिन जब अब तो स्कूल से भागना नहीं है, स्कूल टाइम के बाद करना है, ये साफ तौर से कह दिया गया है विभाग के द्वारा, तो अब वे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। खैर, हम उनका सपोर्ट करते हैं, इस्तीफा होना चाहिए, और सिर्फ सभी शिक्षक से आग्रह है पढ़ाई के काज में लगे रहिए। और जिस तरीके से आपको बता दें कि विकास मित्र और टोला सेवक ये लोग क्या काम करते हैं, काम देखा जाए तो विशेष लोग का काम नहीं है, बस वो लोग ये गांव परिवार में जो टोला है उसमें वो लोग प्रचार करते हैं। ये जो योजना आया है नीतीश जी का योजना आया, ये जो योजना आया मुख्यमंत्री का योजना आया है, ये फायदा आपको मुख्यमंत्री की वजह से मिल रहा है, बच्चे को पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं, मैंने बार बार कहा जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरा को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा को चमकाने का काम फिल्में करते हैं। इसी वजह से वो लोग का बिना मांगे ही बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, वो लोगों को बिना मांगे मोती मिल चुका है और आगे भी मिलेगा। लेकिन हम लोग आप लोग क्या करते हैं, निश्चित रूप से हम लोग विरोध करते हैं, लगातार विरोध करते हैं, और विरोध का कारण भी है, चूंकि विरोध चूंकि इस तरीके का ना आदेश सब निकाला जाता है कि विरोध करना स्वाभाविक हो जाता है, और विरोध करते हैं इससे चेहरा जो वो चमकाने का काम करते हैं हम लोगों की वजह से चेहरा खराब हो जाता है सरकार का। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार हैं वो नियोजित शिक्षकों से खफा ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद है क्योंकि बहुत सारे जो सूचना मिल रही हैं, शिक्षा मंत्री जी ने भी जिस तरीके से अभी सीतामढ़ी में आए थे तो उन्होंने भी बताया कि निश्चित तौर पर आप लोग राजकर्मी बनेंगे, धैर्य रखिए और बहुत जल्द बनेंगे, ये बातें उन्होंने कही हैं। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी बात है ये, अगर बात निकल के आई है तो चलिए ठीक है, लेकिन शिक्षक संगठनों को इस तरह से चुप्पी साध करके बैठना कहीं से उचित नहीं है और नहीं बैठना चाहिए मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि इस तरीके से अगर चुप्पी हम लोग साध के बैठते हैं तो हमें कमजोर होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब सभी लोग अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन रद्द न हो जाए इसके वजह से भी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि के पाठक जी वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि कैसे किसको हैंडल करना है, और इसी वजह से आज जो शिक्षक डरे हुए हैं तो सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष भी डर गए हैं और डर करके शांत बैठे हुए हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि अपने अपने संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को थोड़ा सा जगाइए, उनको हिलाइए डुलाइए, तब जाकर के कहीं उम्मीद है कि राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में बहुत ही बुरी स्थिति होने वाली है।